नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आपका जीके एस्ट्रोलॉजी में। मैं हैदराबाद से पंडित गजानन कृष्ण महाराज। ज्योतिष एवं मूल शास्त्रों में नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है, बल्कि आप यह कह सकते हैं कि यह दोनों ज्योतिष एवं मुहूर्त शास्त्र नक्षत्र पर ही पूर्ण रूप से आधारित है, निर्भर है। इनमें भी कुछ नक्षत्रों के समूह ऐसे हैं जिनमें धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद एवं रेवती होते हैं, जिन्हें हम पंचक कहते हैं। यह पंचक कुंभ राशि से मीन राशि में होते हैं, जिनमें नक्षत्रों की सूची में जो 27 हमारे नक्षत्र है उनमें से 23वां नक्षत्र यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे तृतीय चरण से लेकर के 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र लास्ट नक्षत्र 27वां नक्षत्र जिसको हम रेवती कहते हैं, उसके चौथे यानी अंतिम चरण को लिया जाता है पंचक में। अर्थात आप यूँ समझें, पंचक काल कुल मिलाकर के 4.5 दिन का माना गया है, क्योंकि चंद्रमा इस समय कुल 4.5 नक्षत्रों को पार करके मीन राशि को छोड़ करके फिर मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मूर्तकारों का मानना है कि शास्त्रों में इन पंचक में इन 5 दिनों में इन नक्षत्र से जब चंद्रमा कुंभ और मीन का हो, धनिष्ठा से लेकर के रेवती नक्षत्र का हो, तो कुछ कार्य हमारे शास्त्रों में ऐसे बताए हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनमें 5 कार्य है, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना है, यानी आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आपका घर है, वहाँ से आपको साउथ डायरेक्शन, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से साउथ डायरेक्शन आपको मूव नहीं करना है। अगर आप फ्रीक्वेंट बिजनेस के लिए टूर करते हैं, आते जाते हैं, रेगुलर आते जाते ट्रैवलिंग है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विशेष रूप से घूमने के लिए जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, सेटल होने जा रहे हैं, तो फिर जहाँ रहते हैं वहाँ से दक्षिण की यात्रा करना बिल्कुल वर्जित माना गया है एक पंचक में। इनके अलावा आपके घर या मकान या फैक्ट्री जहाँ आप रहते हैं या आपका जहाँ बिजनेस का प्रीमिसेस एरिया है वहाँ पर, या घर या मकान की दुकान की छत डालना चाहते हैं, स्लैब डालना चाहते हैं, या कोई ऐसा एरिया है जो स्लैब के जैसे ही अगर आप उसको अच्छे से ढकना चाहते हैं, तो वो भी इन पंचकों में नहीं करना चाहिए। इसके बाद चारपाई बनाना यानी पलंग आदि बुनना यानी बेड बनाना, या फिर बेड किसी हिस्से से ख़राब हो गया है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं हो, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो ठीक है, अदरवाइज टोटली उन बेड को भी इस पंचक में ठीक नहीं करना चाहिए, ऐसे शास्त्र आज्ञा देता है। इसके बाद पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो यह मान्यता है कि उस परिवार में मानिए, उस गांव में मानिए, उनके गोत्र में मानिए, 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होना ये तो हमारे हाथ में नहीं है, उसको तो हम टाल नहीं सकते, लेकिन यदि ऐसे हो तो उस शव का जब मृत्यु के बाद शव का जब अंतिम संस्कार किया जाता है, और यदि पंचक में उनकी मृत्यु हुई है तो जितने पंचक हुए उतने छोड़ करके उतने पुतले उस शव के साथ अंतिम उनको दहन करना चाहिए, यह एक निर्णय है। इसके बाद एक और कार्य है जो पंचक में नहीं करना चाहिए, वह है तृण काष्ठ आदि का संचय करना, यानी लकड़ी या लकड़ी का कार्य जैसे फर्नीचर हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग में मुख्यतः जो लकड़ी से संबंधित है वह कार्य बिल्कुल भी प्रारंभ न करें। ऐसे कृत्यों का निषेध पंचक में माना गया है, ये सभी कार्य पंचक में नहीं करना चाहिए। वैसे तो पंचक में उपरोक्त ये सभी कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि इनमें से कोई करना पड़े, आपको बहुत आवश्यकता है, तो फिर उसका एक समुचित आपको उपाय और पंचक शांति करवा करके ही उक्त कार्यों को आपको संपादन करना चाहिए। यह एक तोड़ हुआ एक उसका एक परिहार हुआ, लेकिन नहीं करें वह ज़्यादा है। ध्यान रहे, पंचक नक्षत्रों का विचार मात्र जो अभी ऊपर 5 कर्म बताए जो नहीं करना है उन्हीं में उनको विचार करना है। इसके अलावा जैसे मृत्यु इनके अलावा जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, आपका ग्रह आरंभ हो गया, ग्रह प्रवेश हो गया, वधु प्रवेश है, या फिर उपनयन है, आदि मुहूर्तों में तो पंचक को उल्टा और शुभ माना गया है। अब काफ़ी लोग इसको हर जगह अपना का कुछ भी मुहूर्त होता है, कोई त्यौहार आ रहा है उसमें इस समय पंचक है, उसमें इस समय पंचक है, उसको टाल देते हैं। अब वो अज्ञानता के कारण पंचक है नहीं है, है लेकिन उस त्यौहार में उस पंचक का लेना देना नहीं है, तो यह चीज़ समझनी है। आइए अब इस वीडियो में हम मुख्य जिसके लिए वीडियो बना है, साल 2023 में जनवरी से लेकर के दिसंबर के माह में पंचक कब प्रारंभ होंगे, कब समाप्त होंगे, इसको हम विस्तार से जानेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं जनवरी में। जनवरी में पंचक प्रारंभ होंगे। 23 जनवरी 2023 को सोमवार दोपहर में 1:51 को इस दिन पंचक प्रारंभ होंगे और पंचक समाप्त होंगे 27 जनवरी 2023 शुक्रवार को शाम के 6:37। इसके बाद फरवरी के महीने में 20 फरवरी 2023 सोमवार को रात के 1:14 को प्रारंभ होंगे और पंचक समाप्त होंगे 24 फरवरी 2023 शुक्रवार को 3:44 अर्ली मॉर्निंग रात को। मार्च के महीने में अगर हम देखें तो पंचक प्रारंभ होंगे 19 मार्च 2023 रविवार को प्रातः 11:17 को प्रारंभ होकर के 20 मार्च 2023 को गुरुवार को दोपहर के 2:08 को समाप्त होंगे। इसके बाद अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ होकर के शनिवार को 6:44 शाम के और फिर समाप्त होंगे 19 अप्रैल 2023 बुधवार को 11:53 रात्रि। इसके बाद अगर हम बात करें मई के महीने में तो मई में 13 मई 2023 शनिवार को 12:18 रात में प्रारंभ होंगे और 17 मई 2023 बुधवार को प्रातः 7:39 को खत्म होंगे। इसके बाद जून के महीने में 9 जून 2023 शुक्रवार को सुबह के 6:02 को प्रारंभ होंगे और जो समाप्त होंगे 13 जून 2023 मंगलवार को 1:32 दोपहर इस समय। इसके बाद जुलाई में हम देखें तो 6 जुलाई 2023 गुरुवार को दोपहर के 1:38 को प्रारंभ होकर के इसी महीने की 10 जुलाई 2023 को सोमवार को शाम के 6:59 यानी 6:59 PM को। इसके बाद अगस्त के महीने में 2 अगस्त 2023 बुधवार को रात के 11:26 को प्रारंभ होंगे और 7 अगस्त 2023 सोमवार को रात्रि 1:43 को समाप्त होंगे। इसके बाद अगस्त के ही महीने में हम बात करें, किसी किसी महीने में दो बार भी आ जाते हैं, तो अगस्त के महीने में ही 30 अगस्त 2023 बुधवार को 10:19 प्रातः वहां से प्रारंभ हो करके समाप्त होंगे 3 सितंबर 2023 रविवार को प्रातः 10:38। इसके बाद सितंबर की हम बात करें, 26 सितंबर 2023 मंगलवार को रात के 8:28 को प्रारंभ होंगे और 30 सितंबर 2023 शनिवार को रात के 9:08 को समाप्त होंगे। इसके बाद अक्टूबर के महीने में 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:23 को प्रारंभ हो करके समाप्त होंगे 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को प्रातः 7:31। इसके बाद नवंबर में अगर हम देखें तो 20 नवंबर 2023 सोमवार को प्रातः 10:07 को प्रारंभ हो करके समाप्त होंगे 24 नवंबर 2023 शुक्रवार को शाम के या शुक्रवार को शाम के 4:01। और इसके बाद अंतिम दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर 2023 रविवार को दोपहर के 3:45 को प्रारंभ हो करके 21 दिसंबर 2023 गुरुवार को रात के 10:09 को समाप्त होंगे। तो यह थे साल 2023 में जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने तक पंचक कब है, कब समाप्त होंगे, किस दिन किस समय तक। इसके अलावा अगर आप हमसे ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, जैसे आपको अपनी कुंडली दिखवानी है, आपने कोई मुहूर्त हमसे चेक करवाना हो, आप वर वधु का गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर पढ़ाई है, कैरियर है, विवाह है, अपना हेल्थ है, इनसे संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो तो हमारे ऑफिस के दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके कार्यालय सशुल्क परामर्श लेकर के आप प्राप्त कर सकते हैं।